जो राज्य सरकार हमें डिटेल्स देती है, आंकड़े देती है, जिसको हम पूरा ट्रांसपेरेंटली जनता के समक्ष रखते हैं, और उसके बेसिस पे जब हम घोषित करते हैं किसी गांव को विद्युतीकरण हो गया है, उसके बाद भी किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी होना मेरे लिए बहुत ही सरप्राइज और बहुत ही मैं कहता हूँ एक प्रकार से दुख होता है, क्योंकि ये संघीय ढांचा है। अगर मुझे ऊर्जा मंत्री पश्चिम बंगाल कुछ बताते हैं कि इस गांव का विद्युतीकरण हो गया, इस गांव में हमने इंटेंसिव इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया, इतने गरीबों के घर में बिजली दे दी, तो स्वाभाविक है मैं इन पर पूर्ण विश्वास करूँगा। संघीय ढांचे में किसी को कोई अधिकार नहीं है केंद्र में कि राज्य सरकार हमें लिख के दे और हम उसको डिसबिलीव करें। उसके साथ साथ मैंने पूरी डिटेल्स दी कैसे राज्य सरकार ने हमको लिखित रूप से लिख के दिया 2013 में केंद्र सरकार को कि इस गांव में शून्य घर में बिजली पहुंची है। मेरे पास यहां दस्तावेज हैं, अगर आपको इच्छा हो देखने की, तो मेरे पास दस्तावेज हैं कि राज्य सरकार की चीफ सेक्रेटरी लेवल कमेटी ने हमें लिख के दिया कि नगला फटला में 2013 में एक भी गांव में, नगला फटला के गांव में एक भी घर में बिजली नहीं है और इसमें हमें बिजली पहुंचाने की आवश्यकता है। अब अगर आपका कैमरा इस शीट पे ध्यान दे तो ये नगला फटला का रिपोर्ट है, 2013 में हमें राज्य सरकार से मिली है। इसमें दिया है कवरेज ऑफ हाउस होल्ड्स 0000 और शायद कुछ 9 या 4 घर में बिजली है, ऐसा कुछ लिखा है। नहीं, वो भी प्रपोज टू बी इलेक्ट्रीफाइड है, सॉरी, नंबर ऑफ बीपीएल हाउस होल्ड 0, इलेक्ट्रीफाइड ऑन डेट 0, नंबर ऑफ एससी हाउस होल्ड 0। तो इस प्रकार की हमें शून्य इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्ट दी, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नगला फटला, ये एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर 0000, ये राज्य सरकार की रिपोर्ट है। अब कल मैं किसी चैनल पे देख रहा था, मुझे लगता है ईटीवी है क्या इधर, ईटीवी है, ईटीवी पे मैं कल देख रहा था, सनसनीय खबर आप बता रहे थे और मुझे हंसी आ रही थी आपकी सनसनीय खबर पे, क्योंकि सनसनीय खबर ये थी कि वहाँ के मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे थे कि 1985 से वहाँ पे काम चल रहा है, और अगर 1985 से काम चलने के बाद शून्य इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ था तो मुझे लगता है कि 18 वर्ष तक क्या हो रहा, नहीं 18 भी नहीं, 28 वर्ष तक क्या हो रहा था मुझे नहीं समझ में आया। और राज्य सरकार ने फिर हमें लिख के भेजा कि इसको एनर्जाइज हमने कर दिया है, 30 अक्टूबर को हमें रिपोर्ट भेजी जिसमें हाथरस के नागला फटला में ये सेंसस कोड में वर्क कंप्लीटेड ऐसा लिख के 30 अक्टूबर को भेजा, हमने उसको विश्वास किया। उसके बाद हमें एक एनर्जाइजेशन रिपोर्ट भेजी गई जो पश्चिम बंगाल से भी आती है, और जब पश्चिम बंगाल से भी आती है हम उस पर वही विश्वास करते हैं। ये उत्तर प्रदेश से 24 नवंबर 2015 की रिपोर्ट आई कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, ये लाइन लगी है और 1, 2, 3, 4, 5 अधिकारियों ने साइन किया, पूरी लाइन एक नहीं, पूरी डिटेल लेके घर घर में कैसे बिजली जाती है। अब हम इसके बाद अगर अविश्वास करें तो ये संघीय ढांचे का बहुत बड़ा अपमान होगा, और अगर हम विश्वास करें तो फिर पता चलता है कि 24 नवंबर को बिजली की इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुई, उसके बेसिस पे क्लेम हुआ, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत क्लेम किया गया कि काम हो गया और हमें बिजली दी जाए, और उसके बाद पता चलता है कि 15 अगस्त तक यानी लगभग 9 महीने तक बिजली नहीं मिली वहाँ के लोगों को एनर्जाइज होने के बाद। ये तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और मैं समझता हूँ नगला फटला का हर एक व्यक्ति धन्यवाद देगा कि प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को पूरे देश और दुनिया के समक्ष रखा, और हमें अभी जानकारी मिली है कि 15 अगस्त को जैसे ही
प्रधानमंत्री जी का भाषण खत्म हुआ उसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश राज्य के सरकार वहाँ सरकारी कर्मचारी वहाँ पहुँचे और तुरंत एनर्जाइज पुनः एक बार करके लोगों के घर में बिजली दी। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ओपन एंड शट केस है। हमारे अधिकारियों ने उनको शो कॉज जो दिया, या शो कॉज नहीं बोलूँगा, क्लैरिफिकेशन मांगी, उसका एक बहुत ही कमज़ोर जवाब हमारे पास आया है। उस जवाब से साफ जाहिर होता है कि राज्य सरकार समझ नहीं पा रही है कि वो क्या बोले। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं 85 से बिजली का काम हुआ, अभी मैंने आपके ही टीवी चैनल पे देखा, ई टीवी से अगर आप हैं, और राज्य सरकार हमको उन्हीं की राज्य सरकार लिख के दे रही है कि काम हुआ नहीं है, हमें पैसे दो। तो ये बहुत गंभीर मामला है और इसके ऊपर मुझे लगता है उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं है सेंटर और स्टेट के बीच में, डीवीसी का पानी क्या छोड़ना है ये निर्णय डीवीसी नहीं करता है। मैं स्पष्ट कर दूं आप सभी के माध्यम से, पानी क्या छोड़ना है ये निर्णय डीवीसी नहीं करता है। एक अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी में राज्य सरकार के भी प्रतिनिधि हैं और वो अथॉरिटी उस डैम की स्टोरेज कैपेसिटी और उसकी सेफ्टी को कंसिडर करके ये निर्णय लेता है। तो इसमें डीवीसी का कोई निर्णय में वीटो या निर्णय लेने का फाइनल वर्ड डीवीसी के पास नहीं है, वो उस अथॉरिटी के पास है। अभी तक इस पे हमारी कोई चर्चा नहीं हुई है, पर अगर राज्य सरकार उचित समझे तो मैं सेंट्रल वाटर रिसोर्सेज जो डिपार्टमेंट है, सीईए और राज्य सरकार तीनों को मिलके एक हम बिठा सकते हैं और वो लोग इस पे पुनः एक बार विचार करें कि इसके बारे में लॉन्ग टर्म व्यू क्या लेना चाहिए। तो is responsible for water releasing, they should talk to the government and after discussion they can release the water or otherwise the flood situation is coming up. ऐसा करते हैं कि अभी अच्छा आपने पॉइंट फ्लैग ऑफ किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम CWC वाटर रिसोर्सेज की जो बॉडी है, CEA और राज्य सरकार तीनों एक बार इस पूरे प्रक्रिया को समझ ले, जांच ले, और अगर आपके अधिकारी अगले हफ्ते ही आ जाएं तो अगले हफ्ते ही हम बैठ के इसको तीनों सेंटर और स्टेट इस पे एक पुनः विचार कर ले। एक छोटी कमिटी बनाने का मैंने सुझाव दिया है राज्य सरकार को, जिसमें सेक्रेटरी पावर वेस्ट बंगाल की अध्यक्षता में CMD डिस्कॉम, CMD WP वेस्ट बंगाल, PDC पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और डायरेक्टर मार्केटिंग कोल इंडिया और डायरेक्टर मार्केटिंग फाइनेंस, ये पांचों व्यक्ति बैठ के 4 हफ्ते के अंदर हमें एक रिपोर्ट देंगे पूरा स्टडी करके कि किस प्रकार से ये जो पश्चिम बंगाल एक देश से अलग सेस 25% सेस लगाता है जबकि पूरे देश में 14% रॉयल्टी लगती है, उसका प्रदेश में क्या फ़ायदा हो रहा है और उसके सामने प्रदेश को क्या नुकसान हो रहा है, इसके बारे में खुले दिल से खुले मन से ये कमेटी चर्चा करके स्टडी करेगी। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर जैसा पूरे देश में 14% रॉयल्टी लगती है वो अगर वेस्ट बंगाल में भी लगे तो कोयले का उत्पादन यहाँ और बढ़ सकता है। कोयले का उत्पादन बढ़ने से ओवरऑल रेवेन्यू स्टेट का कम नहीं होगा, उल्टे बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे नौकरियों का उत्पादन हो सकेगा, एंसिलरी इंडस्ट्री आएगी, बाकी पावर का कॉस्ट कम हो सकेगा क्योंकि आखिर ये लोड पावर पे, सीमेंट पे, जो जो इंडस्ट्रियाँ चलती है उस पर ही लोड होता है ये। तो अगर उत्पादन बढ़ता है तो एक तरफ रॉयल्टी के माध्यम से ज़्यादा पैसे आएंगे, दूसरी तरफ इंडस्ट्री को और पावर को फ़ायदा पहुंचने से यहाँ नए जॉब्स का निर्माण होगा और रोज़गार बनेंगे, बिजली का खर्चा कम होगा।